नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी लोगों का, मैं उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र के साइंस स्टूडियो में स्वागत करती हूं। व्याख्यानमाला की इस श्रृंखला में आज हमारे मध्य में प्रोफेसर गुलशन ढिंगरा जी यहां पे उपस्थित हैं, जो कि श्रीदेव सुमन उत्तरांचल विश्वविद्यालय ऋषिकेश कैंपस में वनस्पति विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। उसके साथ ही आप डीन के पद पर भी अभी कार्य कर रहे हैं। आपको 25 साल का रिसर्च एवं टीचिंग में एक्सपीरियंस रहा है। इसके साथ ही आपके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड से आपको नवाजा गया है। आपने जो कि एकेडमिक में बहुत ही टफ कंपटीशन होता है CSIR, नेट और गेट, वो भी आपने क्वालिफाइड किया है। और मैं प्रोफेसर ढिंगरा सर आपका मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ, और आपने हमें समय दिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, उसका हम आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपका जो हमारा यहाँ पे व्याख्यान होगा वो हमारे विद्यार्थी, जो भी जितने भी हमारे रिमोट एरिया में विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध हो। धन्यवाद। थैंक यू मैम। आज हमारा जो विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है आनुवंशिकी, जिसे आप बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जैसा कि उत्तराखंड के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस हैं जहाँ BSc MSc में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, तो उसमें जो सिलेबस में आपने देखा होगा मेंडेलियंस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैंने पिछले 25 सालों में अपने करियर के दौरान ये पाया कि बच्चे, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल और कुछ समझने वाली चीज़ें होती हैं, अदरवाइज बॉटनी को बच्चे ये लेते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें हमें याद रखनी है, मगअप करना है, लेकिन जहाँ पर भी थोड़ा सा, चाहे बायोस्टेट की बात करें, जेनेटिक्स की बात करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें, तो कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है बच्चों को ना। तो उस विषय पे मैं चाहूँगा कि आपके साथ एक रोचक रूप में स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्कुल जो मूलभूत जो शब्दावली है आनुवंशिकी की, वहाँ से शुरुआत करके हम चर्चा करेंगे जो इनहेरिटेंस होता है वो कितनी तरह का होता है, उसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी है आनुवंशिकी से रिलेटेड उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो जिसको आप कहते हैं कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस की जब आप बात करते हैं, तो ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। तो आज भी हम देखते हैं कि उसका रेलेवेंस है। 1800 में अगर कोई बात कही गई थी और आज 21st सेंचुरी में अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे कोरिलेटेड है। इसके अलावा आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत आगे तक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो वो कैसे कोरिलेट है, कैसे उसका आधार बना, इसके बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, और यूसर्क के द्वारा मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, तो थैंक यू। आज जो हमारा विषय है आनुवंशिकी, जो इसका टाइटल रखा गया है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जैसे कि आप बात करते हैं कि हमारे पूर्वजों से या हमारे माता पिता से हमें क्या मिला प्रॉपर्टी, तो उसमें जो जेनेटिक्स की हम बात करते हैं तो आनुवंशिकी, क्योंकि आप देखते हैं एक शब्द आपने सुना होगा लाइक बिगेट्स लाइक, ये सेंटेंस सुना है आपने, तो माता पिता से सिमिलर होती है संतान। जैसे आप देख के भी कई बार पहचान लेते हैं कि अरे आप उनके बच्चे हो, आपके पापा तो नहीं है वो, कैसे आप अंदाजा लगा लेते हैं देख के। तो ये सब क्या है,
दिस इज अनुवांशिकी। तो हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, एंसेस्टर प्रॉपर्टी हमारा टॉपिक है, ए ग्लिम्स इनटू जेनेसिस ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। आप देख पा रहे हैं ग्रेगन जोहान मेंडल, ऑस्ट्रेलियन मॉन्क, जिन्होंने जेनेटिक्स, जो आनुवंशिकी की आधारभूत अगर आप जानकारी की बात करें, जिनको हम आनुवंशिकी के पिता के रूप में जानते हैं, वो बेसिकली एक फार्मर फैमिली में पैदा हुए। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े कोई बॉटनिस्ट थे, उनको मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान था। और उन्होंने जो उस ऐसा भी था कि उनसे पहले भी कई लोगों ने प्रयास किए और लेकिन वो अपनी बात को उसने कायदे से नहीं रख पाए। तो इसीलिए जो उनकी रिजल्ट आए मटर के पौधे पे, जो कि आप सब लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने जो काम किए और जो अपना फॉर्मूलेशन दिया, क्योंकि उनको जो थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में ज्ञान था, उसको जब उन्होंने उसके साथ जोड़ा तो ये पाया कि उनके जो मॉडल था उसको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन इसमें बहुत साल लगे, लगभग उनके जाने के 33 सालों बाद उनके काम को जाना गया और जिसे आप नाम देते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलिज्म। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उन्होंने जो काम किया, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन 1866 में। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने सालों पहले किसी व्यक्ति ने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन की बात करी। आज आप प्लांट ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन ये सारे विषय पढ़ते हैं, तो लेकिन उस समय लोग उस बात को नहीं समझ पाए और उन्होंने अपने वर्क को काफ़ी कोशिश करी कि लोग जाने, लेकिन उनका जो काम था उसको जाना गया 34 इयर्स बाद 1900, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। उसमें भी अगर आपने नाम सुना होगा, आइशर मार, कार्ल कॉरेंस, इनका नाम सुना होगा, तीन लोगों ने अलग से इसको प्रेडिक्ट किया और पाया कि जो उन्होंने कहा था वो कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण था और उसको रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलिज्म नाम दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंडल के जो पौधा था जो उन्होंने लिया, मटर के पौधे पे काम किया, तो उन्होंने जो सेवन ट्रेड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेवन ट्रेड्स, तो ये सेवन ट्रेड्स जो इसमें आप देखें, तो पी का जो ट्रेड था सीड्स, सीड में सीड का शेप, डोमिनेंट वाला जो जिसे आप बोलते हैं प्रभावी और रिसेसिव को आप बोलते हैं अप्रभावी, तो सीड का जो शेप था राउंड वाला रिंकल्ड के ऊपर प्रभावी था, जिसे आप डोमिनेंट बोलते हैं। सीड का कलर येलो वाला ग्रीन वाले के ऊपर प्रभावी था। अगर आप फ्लावर कलर देखें तो अकॉर्डिंग टू मेंडल पर्पल कलर वॉज डोमिनेंट ओवर वाइट, फ्लावर का पोजिशन एक्सियल वॉज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल, प्लांट हाई टॉल ओवर शॉर्ट, पॉड का शेप जो फूली हुई मटर की फली थी इन्फ्लेटेड वाला वो कंस्ट्रिक्टेड के ऊपर डोमिनेंट था, और जो पॉड का कलर था, फली का जो कलर था हरे वाला, वो येलो के ऊपर डोमिनेंट था। तो उन्होंने सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो आज भी पढ़ा जाता है, महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जेनेटिक्स के जो टर्म्स की बात करें आप, तो इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। जीन क्या होता है, अगर आप जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जीन बहुत महत्वपूर्ण है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, या अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर उसको देख पा रहे हैं डीएनए को, तो एक सेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एनकोडिंग अ सिंगल प्रोटीन। अगर आपने देखा होगा जीन देन प्रोटीन, इसका मतलब जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, ये सुना होगा आपने जरूर। तो यहाँ पर क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी को समझे आप जीन, और जब पूरा का पूरा जीन्स का एक सेट होता है किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसे आप बोलते हैं जीनोम। एलील्स, ये शब्द सुना है आपने, जैसे मेंडल ने सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पढ़े तो आपने इसमें देखा कि एक प्रभावी था दूसरा अप्रभावी था, तो ये दोनों क्या है, एलील है, कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ सेम जीन जिसे आप कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल एलील। उस समय तक वो सिर्फ ये बता रहे थे कि मटर के पौधे में जैसे स्टडी किया तो दो ही एलील थे, एक टॉल था तो दूसरा ड्वार्फ था, ऐसे करके अगर टर्मिनल था एक्सियल था, लेकिन जो भी था टू एलील थ्योरी जिसे उन्होंने बोला।
लोकस, देखिए आप एक यहाँ पर टर्म आपको दिखाई दे रहा है लोकस, तो जीन के ऊपर एक फिक्स पोजीशन, ए फिक्स लोकेशन ऑन अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वेयर जीन और वन ऑफ इट्स एलील इज लोकेटेड, जहां पर्टिकुलर जीन की पोजीशन है या किसी एलील की पोजीशन है उसे आप बोलते हैं लोकस, या लोसाई भी बोल देते हैं आप इसको। एक शब्द है होमोजाइगस, हालांकि ये आप इससे परिचित होंगे लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो होमोजाइगस की अगर आप बात करते हैं, जैसे दो टू एलील थ्योरी दिया मेंडल ने, तो एक टॉल है दूसरा ड्वार्फ है, तो उसको जैसे आपने देखा है कि कैपिटल टी दो लेटर है, अगर दोनों एक जैसे आपने लिख दिए कैपिटल टी होमो मतलब सेम, जाइगोट गैमीट्स, जब गैमीट सेम हो हैविंग आइडेंटिकल जीन्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट, हेट्रोजाइगस जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है असमान, जब गैमीट्स हो टू डिफरेंट जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, डोमिनेंट आप देखते हैं जैसे दो पेरेंट्स के बीच में, जब मटर के पौधे की अगर आप बात करें जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में आप देखते हैं जो एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है उसको आप बोलते हैं डोमिनेंट, और रिसेसिव जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो गया जो जिसके करेक्टर को डोमिनेंट वाला मास्क कर देता है और जो अपने आप को प्रदर्शित F1 जनरेशन में नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं आप रिसेसिव। तो आप देखिए जीनोटाइप, तो जीनोटाइप जैसे आप लेटर्स के द्वारा, जैसे आप आगे पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस, तो लेटर्स के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कॉमन सेंस में समझें तो दिस इज जीनोटाइप, और अगर टेक्निकली समझें तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप को आप क्लियरली देख नहीं सकते, जैसे आपको यहाँ फ्लावर दिखाई दे रहा है तो इसका जीनोटाइप आपको कैसे पता चलेगा ना, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है फिनोटाइप, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो उसमें जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट दैट इज फिनोटाइप। अब बात आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है मोनो मीन्स सिंगल, जहां पर एक ही पेरेंट में जैसे दो एलील, अपने बात टू एलील थ्योरी की बात करी, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, कैपिटल टी वाला टॉल को एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल टी वाला ड्वार्फ को एक्सप्रेस कर रहा है, तो दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेरेंट्स हैविंग वन हैविंग टॉल एंड अनदर इज ड्वार्फ। इन केस ऑफ F1 जनरेशन क्या पाते हैं आप, सिर्फ एक ही अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जिसको आप बोलते हैं डोमिनेंट। जैसे आपने देखा P स्टैंड्स फॉर पेरेंटल जेनरेशन, F1 को फर्स्ट फिलियल जेनरेशन बोलते हैं आप, जो ऑफस्प्रिंग जो आता है क्रॉस कराने के बाद, और F2 है सेकंड फिलियल जेनरेशन, जब आप उसकी सेल्फिंग कराते हैं, ये शब्द भी आपने सुना होगा, F1 में जो आता है उसको जब उसी के साथ क्रॉस कराया जाता है इसको आप बोलते हैं सेल्फिंग, और इंटर क्रॉस भी आपने सुना होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करें तो जो पहला प्रिंसिपल यहां पर अगर आप देखें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोल देते हैं आप इसको, टू एलील फॉर ईच जीन आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गैमीट्स, एक होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब आप देखते हैं दो करेक्टर एट ए टाइम साथ लें, जैसे आपने सीड का शेप लिया सीड का कलर लिया तो दोनों करेक्टर एक साथ रहे लेकिन वो एक दूसरे को अफेक्ट किए बिना प्रदर्शित होते हैं F2 जनरेशन में, तो वहां पर क्या कहते हैं आप इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पृथक्करण का नियम भी आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, जब व्हेन टू डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट ओनली वन इज डोमिनेंट एंड दैट विल बी एक्सप्रेस, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही आपसे बोला खाली एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि नाम से अभी बात हुई थी, पेरेंट्स डिफर बाई अ सिंगल ट्रेट, जैसे कैपिटल टी एलील फॉर टॉल एंड टी स्मॉल टी एलील फॉर ड्वार्फ, तो कैपिटल टी जैसे होमोजाइगस टॉल प्लांट, स्मॉल टी होमोजाइगस
ड्वार्फ प्लांट। तो जब इसके बीच में क्रॉस कराते हैं तो आप क्या पाते हैं, ये देखिए F1 जनरेशन में सिर्फ क्या आया, ऑल टॉल। हालांकि जीन जीनोटाइप आपको ऐसे दिखाई नहीं देता, लेकिन आप स्क्रीन पे देखें जब कैपिटल टी को क्रॉस कराया जाता है स्मॉल टी के साथ, तो F1 जनरेशन में क्या आता है आपके पास, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जो डोमिनेंट होता है। तो यहां पर कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे, फिनोटाइप आएंगे F1 जनरेशन के, ऑल टॉल प्लांट्स। एक आपने ये भी सुना होगा पनेट स्क्वायर, चेकर बोर्ड भी बोलते हैं आप इसको। तो ये क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, एक विधा है जिसमें आप जो जेनेटिक क्रॉस कराते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे आप देखें तो अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेके चलते हैं तो इसको चार बॉक्स बना दिए, चार स्क्वायर बनाए हैं इसमें, जैसे खिड़की जैसे दिखाई दे रहे हैं ना आपको। तो वी यूज द पनेट स्क्वायर, क्यों यूज करते हैं आप इसको, टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब जो संतति आ रही है इनके क्रॉस कराने के बाद, उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रिडिक्ट करते हैं इससे। तो एक तरफ आप मेल दिखाते हैं, दूसरी तरफ फीमेल दिखाते हैं, जैसे यूजिंग ए पनेट स्क्वायर। जैसे स्टेप क्या है, कैसे आप, हालांकि ये मैं समझ रहा हूँ आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप देखें अगर कोई डाउट है इसमें, तो नंबर वन स्टेप में आप क्या करते हैं, डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये है पेरेंट जीनोटाइप। तो एक तरफ आपने कैपिटल टी लिखा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड में ऊपर आ गया स्मॉल टी, राइट डाउन योर क्रॉस, फिर ड्रॉ ए पी स्क्वायर। ये देखें आप पनेट स्क्वायर आपने बनाया, तो स्प्लिट द लेटर्स ऑफ द जीनोटाइप फॉर ईच पेरेंट। आपने ये देखिए कैपिटल टी लिखा ऊपर, इधर स्मॉल टी लिखा, तो एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी आ गया पहले में, फिर दूसरे नंबर पे अगर आप देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, तो चारों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इजंट इट। तो आप क्या देखते हैं यहां पर, इसका मतलब जो डोमिनेंट वाला है वो सबके सब में प्रेजेंट है। तो उसमें क्या होगा, इसको अगर आप फिनोटाइप के रूप में देखें, ऑल विल बी टॉल। F1 में यही देखा था ना आपने पहले, तो 100% जीनोटाइप्स क्या है, 100% कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और फिनोटाइप क्या हो गया इसका, 100% टॉल प्लांट्स। दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन केस ऑफ F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में तो सारे टॉल आ गए, लेकिन जब F2 में क्या करते हैं आप, जब F1 जनरेशन को सेल फर्टिलाइज कराते हैं, तो F1 क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसी के साथ क्रॉस कराया, तो क्या देखते हैं आप यहां पर, ये देखिए जीनोटाइप्स क्या आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहला वाला क्या हुआ, कैपिटल टी, दो बीच वाले क्या आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट वाला स्मॉल टी। तो रेशियो अगर आप देखें, एक टॉल है, दो टॉल, लेकिन कैसे टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल आप देख सकते हैं। हेट्रोजाइगस का मतलब एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी, और जो लास्ट वन है वो स्मॉल टी ड्वार्फ। तो जीनोटिपिक रेशियो देखें अगर आप इसको, 1:2:1, और अगर फिनोटिपिक रेशियो देखें तो वो क्या आ जाएंगे, तीन टॉल आ रहे हैं और एक ड्वार्फ आ रहा है, तो दिस इज 3:1। तो इसका सीक्रेट क्या है पनेट स्क्वायर का, की टू पनेट स्क्वायर, डिटरमाइन द गैमिट्स ऑफ ईच पेरेंट, हाउ, बाई स्प्लिटिंग द जीनोटाइप ऑफ ईच पेरेंट। जो हर पेरेंट का जीनोटाइप है उसको स्प्लिट कर दिया, इफ दिस इज योर क्रॉस, जैसे आपने देखा कैपिटल टी, इसके स्प्लिट करने का मतलब अलग अलग कर दिया, एक कैपिटल टी दूसरा कैपिटल टी, और यहां पर ऐसे ही एक स्मॉल टी दूसरा स्मॉल टी। अगर ये गैमिट आपको बन गए, ये देखिए, और ये वाला इधर लिखा आपने, तो इसके बाद सिंपली एक कैपिटल टी पकड़ा, दूसरा स्मॉल टी पकड़ा, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, ऐसे करके हो गया। तो वंस यू हैव द गैमिट्स, तो शॉर्टकट अगर आपको देखें इसका, जैसे आप देखिए, इफ आइदर पेरेंट इज होमोजाइगस, तो ये क्या आ गया, जीनोटाइप क्या हो गया, 100% कैपिटल टी स्मॉल टी। आप ऐसे सिंपली भी देख सकते हैं सीधा सीधा। और फिनोटाइप क्या होगा, 100% टॉल, क्योंकि इसमें जो डोमिनेंट वाला है वो प्रेजेंट है। तो यू ओनली नीड वन बॉक्स इन केस ऑफ शॉर्टकट। अब ये देखिए, ये आपके सामने है, इजीली आप समझ गए
ओके, इज इट क्लियर? इफ यू हैव अनदर क्रॉस, जैसे आपने देखा है हेटरोजाइगस विद हेमोजाइगस, जैसे आपने कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज क्या है हेटरोजाइगस, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी, इसको जब क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी के साथ, ये देखें आप यहां पर भी आप शॉर्टकट देख सकते हैं, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, एक स्मॉल टी, तो इसको आप क्या बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ये शब्द सुना होगा आपने टेस्ट क्रॉस यहां पर, और टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या आता है 1:1, देख जैसा कि आप देख रहे हैं एक आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आया, एक स्मॉल टी यानी 1:1, तो टेस्टिंग करने के लिए जब आप रिसेसिव पेरेंट, क्योंकि आपने शुरू में कहां से चले थे, एक P1 पेरेंट कहलाता है, दूसरा P2 पेरेंट कहलाता है, और जो F1 जनरेशन आता है अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या आता है F1 जनरेशन, हेटरोजाइगस डोमिनेंट, ओके, तो जब आप उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो आप उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो जीनोटाइप क्या हुआ है यहां पर 50% कैपिटल टी स्मॉल टी, 50% स्मॉल टी, और फिनोटिपिकली अगर आप एक्सप्रेस करें तो 50% टॉल प्लांट्स और 50% आपके ड्वार्फ प्लांट्स। अब दूसरा एग्जांपल आप फ्लावर कलर के रूप में भी ले सकते हैं, इसको हम जल्दी से स्किप कर दे रहे हैं, सिर्फ वही चीज समझे आप, जैसे आपने वहां पर कैपिटल टी लिया था तो यहां पर कैपिटल पी हो गया, तो पर्पल वाला डोमिनेंट है व्हाइट वाले के ऊपर रिसेसिव के, तो आप ये दूसरा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ये देखिए आप बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पढ़ा था। अभी डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं हम, जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं तो आप दो करेक्टर एट ए टाइम, जब आप दो जीन्स लेके चलते हैं टू इंडिपेंडेंट ट्रेट्स, जैसे आपने यहां लिया फ्लावर का कलर और दूसरा लिया स्टेम का लेंथ, तो लेंथ में आपने देखा टॉल वाला शॉर्ट वाले के ऊपर डोमिनेंट है, ऐसे ही आपने जो फ्लावर का कलर देखा तो वहां पर पर्पल वाला, तो आप देख सकते हैं जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस लिया हमने, यहां पर फ्लावर कलर और स्टेम लेंथ दो करेक्टर हमने लिए इसमें, एक फ्लावर का कलर दूसरा स्टेम का लेंथ, तो टॉल और पर्पल ये डोमिनेंट है शॉर्ट और वाइट के ऊपर, तो पॉसिबल गैमिट्स जैसे आपने देखा कैपिटल टी में से एक आ गया कैपिटल टी, क्योंकि आपने देखा है गैमिट फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है मियोसिस, तो 50% उसका रह जाता है उसमें F1 जनरेशन में, तो कैपिटल टी का एक आया, ऐसे ही कैपिटल पी का आया, ऐसे ही स्मॉल टी स्मॉल पी, तो आपने जब इसके गैमिट्स फॉर्म किए तो यहां पर क्या हो गया, आप देख सकते हैं यहां पर कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी कैपिटल पी, इधर आपने लेफ्ट पे लिखा और राइट में कैपिटल टी स्मॉल पी, तो यहां पर क्या ऑल टॉल, चाहे तो आप इसको वही शॉर्टकट वाली बात आई थी तो आपने देखा, क्योंकि यहां पर जो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है कैपिटल टी और कैपिटल पी, जब वो रिसेसिव एलील के साथ प्रेजेंट होंगे तो कौन एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन हमेशा क्या आएगी हेटरोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। आप देखिए इफ F1 जनरेशन इज अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट, तो आपका जो ये आया था कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, इसको जब आपने सेल्फिंग कराई तो आप क्या देखते हैं यहां पर चार तरह के गैमिट्स बने, कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी स्मॉल पी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल टी स्मॉल पी, इसको जब आपने पनेट स्क्वायर पे देखा तो आप देख सकते हैं यहां पर टोटल कितनी प्रोजेनी आ गई पनेट स्क्वायर में 16 प्रोजेनी, और इसको जब आप उसमें देखते हैं फिनोटाइप के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो टॉल पर्पल, जहां पर एक भी कैपिटल टी अगर आपको दिखाई दे रहा हो आप इस पे गौर करें, जो आपकी फर्स्ट रो है इस पनेट स्क्वायर में फर्स्ट कॉलम है और एक डायगोनल देख रहे हैं आप इसको, तो ये टोटल 9 मिलेंगे आपको इसमें एक, यस जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस का पनेट स्क्वायर, तो यहां पर टॉल पर्पल को जब टॉल पर्पल के साथ क्रॉस कराया जा रहा है सेल्फिंग कराई जा रही है, तो इसमें आप देख रहे हैं 16 प्रोजेनीज आपको दिखाई दे रही हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल पी होमोजाइगस डोमिनेंट, जो फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है आपको पनेट स्क्वायर में, और लास्ट वाले पे गौर करें इसी के डायगोनली अपोजिट तो स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल पी, तो ये आपको शॉर्ट वाइट दिखाई दे रहा है, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव लास्ट वाला, और अगर आप टोटल देखें इसमें तो जो पहला इस वो देख रहे हैं आप इसमें कॉलम और पहला रो और डायगोनल,
ये आपको एक जैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मेन तरीका जो आपका वो होना चाहिए वो ये है कि अगर एक भी कैपिटल टी है और एक भी कैपिटल पी है किसी बॉक्स में, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्या होगा वो, टॉल पर्पल। अगर दो है तो भी, और मिनिमम एक रिक्वायर्ड है, उसको अपने आप को टॉल और पर्पल के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि डोमिनेंट की जो हमने शुरू में बात करी थी शब्दावली की, तभी आपसे बताया था डोमिनेंट कौन सा होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन या F2 में भी देख रहे हैं आप यहां पर। तो एक एटलीस्ट कैपिटल टी और कैपिटल पी होगा तो टॉल पर्पल हो जाएगा। तो ऐसे वाले अगर आप देखेंगे बॉक्स तो आपको 9 दिखाई देंगे, उसके बाद जिसमें डोमिनेंट एलील कैपिटल टी वाला प्रेजेंट है, चाहे वो दोनों प्रेजेंट हो या सिंगल प्रेजेंट हो, ऐसे वाले आपको 3 बॉक्स दिखाई देंगे, छोटे बॉक्स, जिसमें कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इसमें क्या होगा, टॉल तो है, और जो इसके साथ वाला है देखें आप, टॉल वाइट, ऐसे ही शॉर्ट पर्पल, यानी कि रिकॉम्बिनेंट जिसको आप बोल देंगे, शब्द आपने सुना होगा रिकॉम्बिनेंट। तो आपने शुरुआत कहां से करी थी, एक टॉल पर्पल पेरेंट था, दूसरा ड्वार्फ शॉर्ट वाइट पेरेंट था, इनके बीच में क्रॉस कराया, तो आपका P1 और P2 ये थे। तो जो आपकी 4 प्रोजेनीज आई डाईहाइब्रिड क्रॉस में, तो आपने क्या देखा यहां पर, टॉल पर्पल एक पेरेंट, ये 9 आए, ऐसे ही शॉर्ट वाइट 1 आया, यानी कि दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन आए। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने बने यहां पर, 10। और बीच में जो रिकॉम्बिनेंट्स बने, जिसमें दोनों की मिक्सिंग, अगर आप कहें एक तरह से मिक्सिंग शब्द समझ के उसे आप ये समझेंगे, जहां रिकॉम्बिनेशन बना, जहां पर क्या था, टॉल था, दूसरा व्हाइट था, जबकि टॉल और पर्पल डोमिनेंट एलील पेरेंट लेके चले थे आप, टॉल और व्हाइट भी आ गया, ऐसे शॉर्ट और पर्पल भी आ गया, ये कितने आए, 3-3 आए। तो दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स। तो आपका F2 क्रॉस जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो 4 तरह के फिनोटाइप आपको मिले, तो आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पे। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में आपने यहां पर क्या देखा, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटाइप्स। तो फिनोटाइप्स कितने थे आपके यहां पर, जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल टी कैपिटल, मतलब जितने आपको लेटर्स दिखाई दे रहे हैं एक जैसे, उनको आप अलग अलग लिख लेंगे, तो जीनोटिपिक रेशियो आ गया, ये आए 9, टॉल पर्पल 9 दिखाई दिए, टॉल वाइट 3 आए, शॉर्ट पर्पल 3, शॉर्ट वाइट 1। तो इसमें 9 और 1 वाला, दीज आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, टॉल वाइट शॉर्ट पर्पल, दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स। टेस्ट क्रॉस जब अभी आपसे बात आई थी टेस्ट क्रॉस की, जहां पर आपने क्या देखा था, रेशियो 1:1। तो जब आप F1 जनरेशन को क्रॉस कराते हैं टेस्टिंग करने के लिए विद एन अननोन जीनोटाइप, यू डू अ टेस्ट क्रॉस जो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ, जैसे आपने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी आया था ना F1 जनरेशन में, उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो क्या आती है प्रोजेनी, 1:1। ये देखिए आप, दिस इज If you get all 100% purple flower, then the unknown parent was PP. ये आप पता कर लेंगे। If you get 50% white, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो F1 है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। इसीलिए इसको आप नाम देते हैं टेस्ट क्रॉस। ओके, यहाँ पर आप देखिए सेकेंड वाला पनेट स्क्वायर देखिए आप, कैपिटल पी स्मॉल पी, जो कि नॉर्मली F1 में क्या आता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, उसको जब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो आप क्या पाते हैं, 50-50। आप देख सकते हैं इसमें 50 पर्पल और 50 व्हाइट दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हाउ यू डू टेस्ट क्रॉस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, एलील्स सेग्रीगेट रेंडमली इनटू गैमीट्स। जैसे आपने देखा येलो ग्रीन, जब इसके गैमीट्स क्या बने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके बाद जब आपने देखा सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग्स क्या प्रोड्यूस करता है, F2 ऑफस्प्रिंग्स विद 3:1 रेशियो ऑफ ए येलो टू ग्रीन सीड्स। येलो ग्रीन जीनोटिपिक रेशियो देखें आप इसमें 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो आप देखते हैं 3:1। तो जैसा कि आपने मोनोहाइब्रिड को अगर आप लेके चलते हैं, ये आपने क्या करा, एक जो दो आपने क्रॉस, जो आपने डायहाइब्रिड क्रॉस लिया था उसमें से एक को अलग देखते हैं, दूसरे को अलग देखते हैं, और जब दोनों को साथ रख दिया जाता है तो क्या आता है, उनका मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या कहता है वो
दैट सेपरेट जीन्स फॉर सेपरेट ट्रेट्स आर पास्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बिना एक दूसरे को अफेक्ट किए. जब दो करेक्टर F1 जनरेशन में साथ रहे, आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पे, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर. इसको जब आप क्रॉस करते हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, येलो राउंड. यहां पर आप देखें, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, येलो कलर और राउंड दिखाई दे रहा है. तो इसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सीड का कलर है वो येलो है और सीड का शेप राउंड दिख रहा है ना. तो ऐसे ही ग्रीन वाला अगर आप देखें, ग्रीन है और रिंकल्ड है, जैसा कि उसमें फिगर में भी दिख रहा है. तो एक उसका जो वो हुआ गैमेटोजेनेसिस, जिसे आप बोलते हैं एफ1 जेनेशन में, तो क्या आया एफ1 में, हेटरोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पीछे केस में सेल्फिंग कराया था, तो यहां पर आप सेल्फिंग करा रहे हैं, आपको सारा कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है कौन सा येलो है और राउंड है. फिनोटिपिकली दिखाई दे रहा है ना, आप देखिए 9 राउंड येलो दिख रहे हैं ना, ऐसे ही 3 ग्रीन राउंड दिखाई दे रहे हैं, देन नेक्स्ट वाला येलो रिंकल दिखाई दे रहे हैं और लास्ट वाला ग्रीन रिंकल दिखाई दे रहे हैं. तो रेशियो क्या आया, 9:3:3:1. पनेट स्क्वायर आपको बनाना आ गया और आपको यह भी पता चल गया कि किस तरह से गैमेट्स फॉर्मेशन होता है. एक कैपिटल वाई एक कैपिटल आर लिया, एक दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल आर लिया, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर. तो चार गैमेट्स, दोनों को एक को लेफ्ट तरफ, गैमेट्स फ्रॉम हेटरोजाइगस पेरेंट और गैमेट फ्रॉम हेटरोजाइगस पेरेंट. देखा आपने, सेल्फिंग कराया इसका, तो आपके पास आ गया 9:3:3:1. नेक्स्ट, अब आते हैं आप, इसको एक फॉर्क लाइन मेथड भी बोलते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका उसको ड्रॉ करना पनेट स्क्वायर के रूप में मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं फॉर्क्ड लाइन मेथड. तो यहां पर ट्राई हाइब्रिड के केस में क्या आप देखेंगे, इसको लॉ ऑफ, यहां पर आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी. तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, जब दो करेक्टर साथ हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर. द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स इज कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इंडिविजुअल ट्रेड. तो जैसे आपने देखा, राउंड आपने सबसे पहले येलो वाला, राउंड वाला, रिंकल्ड वाला, तो इसको फॉर्क, जैसे एक चिमटी की तरह से होता है ना फॉर्क लाइन मेथड. तो आपने एक पहले पकड़ा उसका करेक्टर, फिर दूसरा, फिर फॉर्क आगे खुलता चला गया. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, जो ट्राई हाइब्रिड का रेशियो आता है 27:9:9:9:3:3:3:1. दिस इज टोटल 64. जैसे अगर आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो आपकी जो ऑफ स्प्रिंग्स आएंगी 64 आएंगी. और इस तरह से आप एनालाइज करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. ये तो आप जान ही रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस शुरुआत में ही बात हो गई थी इसकी. अब आप बात करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स के आगे. जैसे आप बोलते हैं कि मेंडेलियन वाज लकी, आपने पढ़ा होगा कई बुक्स में, ट्रेड्स ही चूज इन पी प्लांट शोड अप वेरी क्लियरली. वन एलील वॉज डोमिनेंट ओवर अनदर, सो फिनोटाइप्स वार इजी टू रिकॉग्नाइज. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, जो फिनोटाइप्स हैं वो इतने एकदम ऑब्वियस नहीं होते हैं. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में आपने पढ़ा होगा स्नैप ड्रैगन फ्लावर्स. जैसे देखते हैं स्नैप ड्रैगन फ्लावर, ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, दे कम इन मैनी कलर्स. तो लेकिन उसके केस में क्या आप पाते हैं, जब आप एक रेड स्नैप ड्रैगन को प्लांट को क्रॉस करते हैं व्हाइट स्नैप ड्रैगन के साथ, तो प्रेडिक्टेड क्या होना चाहिए, जैसा कि आपने अभी देखा था मेंडेलियन इनहेरिटेंस के केस में, तो वही आता है जो डोमिनेंट है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है. तो यहां पर जीनोटाइप तो वही आ रहा है जो आना चाहिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन फिनोटाइप क्या हो जाता है यहां पर, पिंक. तो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हेन द हेटरोजाइगस फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट, दोनों के बीच का कुछ चला आया ना, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इसमें देखें, अगर आप ये देखिए, जो आपने चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर देख पा रहे हैं इसमें, तो कैपिटल आर रेड है और कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो गया,
पिंक, जबकि ये नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए था, इसको भी रेड होना चाहिए था, 3:1 आने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं आता. दिस इज एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस. तो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो यहाँ पर खास बात ये आती है कि इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो ऑल्सो 1:2:1, जबकि उसमें क्या था, 3:1 था फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक 1:2:1 था. ऐसे ही जब आप डायहाइब्रिड के केस में भी देखेंगे ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो वहां पर भी ऐसा ही कैरेक्टर दिखाई देगा आपको. एक है आपके पास को डोमिनेंस, व्हेन इनहेरिटेंस इज बाय को डोमिनेंस, हेटरोजाइगस इंडिविजुअल विल हैव टू फिनोटाइप्स. देख रहे हैं यहां पर, जैसे RW प्लांट्स विल हैव फ्लावर्स दैट आर बोथ रेड एंड व्हाइट. ये दिखाई दे रहा है, रेड फ्लावर्स हुआ, रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स हुआ, व्हाइट फ्लावर्स हुआ, तो दिस इज को डोमिनेंस. इसके अलावा ब्लड ग्रुप की जब आप बात करते हैं तो मल्टीपल एलील, अकॉर्डिंग टू मेंडल दो ही एलील थे, एक था टॉल तो दूसरा ड्वार्फ, एक था टर्मिनल तो दूसरा एक्सियल. लेकिन आज आप जानते हैं कि टू एलील थ्योरी के अलावा मल्टीपल एलील्स होते हैं. जैसे आप स्किन कलर देखें तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देंगे. जैसे ब्लड ग्रुप देखें आप, ब्लड ग्रुप में आपको कितनी तरह के ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज मल्टीपल एलीलिज्म. इसके अलावा पॉलीजेनिक ट्रीट, अगर आप ह्यूमन स्किन कलर देखिए, आपको कितने सारे ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कोई भी जो करेक्टर है टू एलील नहीं है उसके. ऐसा नहीं है कि एक वाइट है तो दूसरा ब्लैक है, मल्टीपल. तो दिस इज पॉलीजेनिक ट्रीट. जैसे दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, देख रहे हैं आप बेल शेप आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है यहां पर, तो दिस इज. इसके अलावा एक टर्म आता है सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड ट्रीट्स. यहां पर जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये आपने पढ़े हैं, दैट आर मोर ऑफन फाउंड ऑन वन सेक्स देन द अदर इज सेड टू बी सेक्स लिंक्ड. दिस इज पेडिग्री बोलते हैं आप इसको, वंश वृक्ष. ये जो दिखाई दे रहा है आपको, हीमोफीलिया इन यूरोपियन रॉयल फैमिलीज. एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस भी करता है इसको, फिनोटाइप को. जैसे आप देखें हाइड्रेंजिया प्लांट्स होता है, एसिडिक सॉइल होगा तो ब्लू फ्लावर्स होता है और बेसिक सॉइल होगा तो पिंक फ्लावर होता है ना. ऐसे ही आर्कटिक फॉक्स फर है, हिमालयन रैबिट फर है, सियामीज कैट है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस. ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर, जैसे दो जुड़वा बच्चे भी होंगे, एक साउथ में और एक शिमला में होगा, तो दोनों जब बड़े होंगे, ग्रोन अप होंगे, तो उनका दोनों का स्किन कलर भी आप देखेंगे तो डिफरेंट पाएंगे आप. दिस इज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की आप बात करें तो जब कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल इज इक्वल, सो द रेसिप्रोकल क्रॉस आर आइडेंटिकल. एक शब्द में बताना चाहूंगा आपको, रेसिप्रोकल क्रॉस की अगर आप बात करें, जब आप कोई क्रॉस कराते हैं ना, जैसे एक मेल है दूसरा फीमेल है, उसमें क्रॉस हुआ, और उसमें जब मेल और फीमेल चेंज हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अगर मेंडेलियन इनहेरिटेंस है तो जो डोमिनेंट होगा वही आना चाहिए F1 जनरेशन में. लेकिन इन केस ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस क्या आप देखते हैं, आपने एक टर्म सुना होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. आगे अभी हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. तो रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस विल नॉट बी द सेम इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. जैसे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं आप उसको, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं आप, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, और एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं आप इसमें, दैट इज डिलेड जीनोटिपिक इफेक्ट. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, मेटरनल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. जैसे आपने अगर नहीं सुना है तो देखें, कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम, अभी आपको इसमें दिखाता हूं पिक्चर के रूप में, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा. ये देखिए आप, मेंडेलियन इनहेरिटेंस और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या अंतर है. दे आर गवर्न्ड बाय न्यूक्लियर जीन्स, नॉन मेंडेलियन गवर्न्ड बाय प्लाज्मा जीन्स. इनका जो सेग्रीगेशन पैटर्न होता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस का, वो बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंक्ट होता है. और रेसिप्रोकल क्रॉसेस का जो रिजल्ट आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डोमिनेंट कौन सा है, उस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है.
जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को प्रदर्शित करेगा F1 जनरेशन में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा अगर नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस जिसे आप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो वहां पर रेसिप्रोकल क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा. तो मेंडेलियन में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेटर्नल इफेक्ट्स, लेकिन नॉन मेंडेलियन में मेटर्नल इफेक्ट दिखाई देता है. ये देखिए आप एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, प्लास्टिड इनहेरिटेंस इज मिराबिलिस, शेल क्वाइलिंग, सिर्फ मैं इस पे एक पे बात करूंगा यहाँ पर, शेल क्वाइलिंग इन स्नेल. ये देखिए आप इसे, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और न्यूक्लियर हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से, अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है मेनली कंट्रीब्यूटेड बाई फीमेल पेरेंट. वाई दिस इज सो, क्योंकि जो फीमेल पेरेंट का एग कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट और साइटोप्लाज्म इज कंट्रीब्यूटेड मेनली बाई फीमेल पेरेंट. तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हम बात करने जा रहे हैं, ये दिस इज शेल क्वाइलिंग इन स्नेल. तो लिमनिया जीनस का जो ये स्नेल है गैस्ट्रोपॉड, उसमें जो आप देखते हैं इसका जो कवच है, इसका कवक ऊपर का शेल जिसे आप बोलते हैं, तो ये क्या होता है स्पाइरली क्वाइल्ड है. तो इसमें दो तरह की क्वाइलिंग पाई जाती है, एक होता है डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग, दूसरा होता है सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग. तो अगर आप इसको डोमिनेंट और रिसेसिव के पर्सपेक्टिव में समझें तो कैपिटल डी डेक्स्ट्रल, स्मॉल डी रिसेसिव. लेकिन इसमें एक जो आपको मेन बात समझने की है, जब आप कोई किताब उठा के देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, पीछे नेक्स्ट फिगर आएगा, तो आपको इतना इजीली समझ में नहीं आएगी. इसके लिए आपको कंसेप्ट क्या होना चाहिए, द फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिटरमिंड बाय द जीनोटाइप ऑफ इट्स फीमेल पेरेंट. उसके फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप क्या कह रहा है वो डिसाइड करेगा, ना कि उसका खुद का जीनोटाइप. दिस इज द मेन की ऑफ हाउ यू फाइंड आउट शेल क्वाइलिंग इन स्नेल. ये आप देख सकते हैं यहां पर, तो डेक्स्ट्रल वाले को कैपिटल डी, कैपिटल डी को जो आपने स्मॉल डी से क्रॉस कराया तो क्या आना चाहिए आपका डेक्स्ट्रल आ गया. और जब आपने इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कैपिटल डी आपको नाम से क्लियर हो जा रहा है कि डेक्स्ट्रल होना चाहिए, कैपिटल डी डेक्स्ट्रल होना चाहिए, कैपिटल डी डेक्स्ट्रल, स्मॉल डी क्या होना चाहिए सिनिस्ट्रल, एज पर पेरेंट इसे सिनिस्ट्रल होना चाहिए. लेकिन आप यहां पर क्या देखते हैं, जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ऑल डेक्स्ट्रल, ऐसा कैसे, हाउ ऑल डेक्स्ट्रल, तो इसका मतलब इसके पेरेंट का फीमेल पेरेंट का, तो एक मेल दूसरा फीमेल मान लें आप, तो फीमेल पेरेंट जहां पर एग दिखाई दे रहा है तो फीमेल पेरेंट का वो क्या कह रहा है जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जो कैपिटल लेटर में लिखा है, जो लेटर के रूप में कैपिटल डी है या स्मॉल डी है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग जीनोटाइप. तो वो डिसाइड कर रहा है कि इसका प्रोजेनी कैसी होगी. तो स्मॉल डी होने के बावजूद भी वो डेक्स्ट्रल हो गया, तो इसके फीमेल पेरेंट को जब आप देखते हैं यस कैपिटल डी स्मॉल डी है, तो इसलिए उसकी प्रोजेनी क्या हो गई डेक्स्ट्रल. और जब आप नेक्स्ट जनरेशन में देखते हैं तो वही सिनिस्ट्रल हो जाता है. तो क्यों हो जाता है सिनिस्ट्रल, क्योंकि उसका पेरेंट स्मॉल डी है. तो इसको आप इसीलिए भी बोल देते हैं डिलेड जीनोटिपिक इफेक्ट. तो काफी इंपॉर्टेंट है, जब इसमें आप बुक की हेल्प लेंगे तो आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा. तो ऑर्गेनल इनहेरिटेंस जैसे मिराबिलिस चिलापा में है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग इन्फेक्टिव पार्टिकल्स, जैसे कप्पा पार्टिकल्स होते हैं पैरामीशियम में, इसका भी जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बेसिस पे डिस्कशन होता है. ये देख सकते हैं आप, जब इनका लॉन्ग ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसा कि आपको पता है इसमें कैसे होता है रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के माध्यम से. तो यहाँ पर आप देखते हैं कप्पा पार्टिकल्स, किलर स्ट्रेन, सेंसिटिव स्ट्रेन. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ वेरियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, म्यूटेशन इन क्लोरोप्लास्ट, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ अवर प्रेजेंटेशन. तो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अगर करेंट सिनेरियो की बात करें, आप देखें आज हम हर फील्ड में कंज्यूमर जीनोमिक्स,
एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, फाइलोजेनेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, जेनेटिक रिसर्च, फूड एंड एग्रीकल्चर, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का दखल ना हो। और जबकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, मटर के पौधे से स्टार्ट करके मेंडल ने ये पाया कि जेनेटिक्स कोई चीज होती है, और आज आप कितना एडवांसमेंट पे पहुंच चुके हैं। तो दिस इज एंड ऑफ आवर स्लाइड एंड दिस इज गिविंग वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हरगोविंद खुराना जी, जो नोबेल प्राइज विनर रहे, इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट, 1968 में उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उन्होंने क्या किया था, ही डेसिफर्ड डीएनए एंड रोट द डिक्शनरी फॉर अवर जेनेटिक लैंग्वेज, उसका खोज करना। जो आप देखते हैं जेनेटिक डिक्शनरी, उस समय दुनिया की ये बहुत बड़ी न्यूज फ्लैश हुई थी कि जेनेटिक कोड हैज बीन क्रैक्ड। तो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर कलरफुल डीएनए, यू आर कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग हु यू आर, वॉट यू ईट बिकम्स यूर बॉडी, वॉट यू फील बिकम्स यूर मूड, what you think becomes your mind, what you love becomes your passion, what you say becomes your truth, what you see becomes your perspective, what you connect to becomes your spirit. This is end of our today's talk. Thank you.